Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the Ambassador's Lounge. As you all know, on 19th May, in a helicopter crash, the President of Iran, Mr. Ibrahim Raisi, along with Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian and six other officials, they were killed. It was a tragic incident which rocked the country of Iran. Initial reports suggested that it was bad weather and plus the 50-year-old helicopter Bell 212, something like that. Of course, the bad weather also, the inclementous weather, affected the rescue and search and rescue operations. ये rumors भी हैं कि there is a possibility of foul play, लेकिन ईरानी government जो है उन्होंने अभी इस पे इन speculations को बिल्कुल fuel नहीं किया, and they have also said that inquiry has been ordered, और they are calling it technical defect in the helicopter. ये चीज़ discuss करने के लिए, एक tragic incident है जो हमारे region में हुआ, इसको discuss करने के लिए हमारे साथ आज एक special guest हैं, एम्बेसडर एजाज चौधरी. ये पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं यूएसए में और नेदरलैंड्स में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी. सर, वेलकम टू द एम्बेसडर्स लाउंज. जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. हमारे साथ, मेरे साथ हैं इस वक्त मेरे राइट पे एम्बेसडर तनवीर खास खेली और लेफ्ट पे हैं एम्बेसडर अमजद शेर. सर, वी विल try to look into this death of Mr. Raisi and its implications, not only domestically, region mein bhi aur globe mein bhi. Particularly ye jo aaj kal ke halaat hain Middle East mein, Gaza mein, unke pas manzar mein hum isko discuss karenge. Mera sawal aap se pehla bada saada sa hai. Domestically, within Iran, आप रईसी साहब की जो अनफॉर्चुनेट डेथ है, ट्रेजिक डेथ है, इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि रईसी साहब जब से सदर बने थे उन्होंने एक बड़ा शिफ्ट किया था. अमेरिका के साथ जो नेगोशिएशंस पहले होती रहीं, बहुत सारे सुदूर करते रहे कि एक ईरान न्यूक्लियर डील हो, और उस पर बेशक हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कंप्रोमाइज़ कर लें लेकिन सैंक्शंस उठ जाएं. इन्होंने वो अपनी रविश मुल्क की तब्दील की और इन्होंने सोचा कि हम अपनी डाइवर्सिफाई करें ऑप्शंस को, और आपने देखा कि वो अब चीन से रवाबत उन्होंने काफ़ी बढ़ाए, और चीन की मदद से सऊदी अरब के साथ भी नॉर्मलाइजेशन की. पाकिस्तान के साथ भी जब कोई बॉर्डर का मामला आया तो उन्होंने फौरी तौर पर आके उसको मामले को ठंडा किया, और अभी आज़रबाईजान भी वो गए थे, जो आपको पता है कि ईरान के आज़रबाईजान का जी वो हमसाया है और कुछ कशीदगी रहती है. तो ये एक नई जहत दे रहे थे ईरान को, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए एक नुकसान हुआ है. ताहम ईरान कुछ ऐसा उनका निज़ाम है, बड़ा मरबूत निज़ाम है. आप भी वहाँ रहे हैं, मुझे भी 5.5 साल रहने का मौका मिला, कि जिसमें एक पार्लियामेंट है, फिर एक मजलिस है, फिर एक राहबर हैं. तो जिस तरह उनके राहबर ने भी कहा कि मामलाते सल्तनत या मामलाते मुमलकत चलते रहेंगे और वो रुकेंगे नहीं, यही मेरा ख्याल में मुझे कहना होगा कि इनकी ये सिमत जो थी, ये एक बहुत बड़ी उन्होंने तब्दीली लाए थे, जो शायद अगला जो भी कोई आए वो इतनी जल्दी से तब्दील ना करे, शायद इस तरफ चले, क्योंकि उसके नताइज निकल रहे थे. दाखिली लिहाज से अलबत्ता उनको एक सख्त गिर हुक्मरान माना जाता था, और अगर आपको याद हो तो सितंबर, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, सितंबर 2022 था शायद, जब महसा अमीनी का वाकया हुआ, और उसके बाद से अब तो 20-25% ख़वातीन ऐसी हैं जो उन पाबंदियों को मानने से इनकारी हैं. तो दाखिली तौर पर तो मेरे ख़्याल इनके दौरे हुकूमत में इंतशार ही रहा, तो उसकी वजह से कुछ इनका माजी भी बताया जाता है 1980 की दहाई में, हाँ जी. लेकिन बिलअमूम मैं समझता हूँ
कि ईरान के लिए ये एक सदमा था, एक धचका था। लेकिन आपने जो बात की इनके सिस्टम के रेजिलियंस की, बिल्कुल सही बात की। अब देखें जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको नॉमिनेट भी कर दिया गया, मोहम्मद मुखबर, और उसके अलावा 28 जून को इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए। तो इनका सिस्टम बड़ा रेजिलियंट है बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस व्हिच दे हैव। तन्वीर, डू यू हैव टू एनीथिंग टू बेसिकली? सर, आपने जैसा जिक्र किया कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर जो लगी इसी के अंदर रिलेशंस विद चाइना एंड टू सऊदी अरब। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने पढ़ा उसने माया था कि ही वॉज थॉट टू बी आफ्टर हिज प्रेजिडेंसी हेयर टू दी खमनाइस रहबर की जगह पे। और भी कैंडिडेट्स थे बट इनको कहा जा रहा था कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इस पर कुछ आप अपना जी, क्योंकि इन्होंने जो हसन रूहानी की पॉलिसीज़ थी उससे थोड़ा ये हट गए थे। इनको ज़्यादा मॉडरेट या मोतदिल तबकात में नहीं गिना जाता था और राहबर के भी एक करीब समझा जाते थे। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हलकों में ये बात आम थी वहाँ पे, ईरानी हलकों में, कि शायद ये क्योंकि खमेनाई 85 साल के हो गए हैं तो दुनिया से तो सब ने जाना है, वो तो कोई यहाँ नहीं रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल में बग़ैर कहे अनकहे अंदाज में इनको तैयार किया जा रहा था उस काम के लिए। और ये बिल्कुल कई जगहों पर तो मैंने इनको यस मैन भी समझा है, पढ़ा है, वो रहबर के यस मैन के तौर पर कि जो रहबर कह देते थे उसको ये फॉलो करते थे। तो ये जो आपका ख्याल है मुझे वो दुरुस्त मालूम होता है। He was a loyalist to the rahbar plus he was very committed to the जो था revolt, जो revolution था, उनके जो ideals थे इसमें बड़े committed थे। लेकिन सर, साथ साथ ये भी उनके कुछ commentators कह रहे हैं कि रईसी साहब जो थे वो one of the candidates थे, लेकिन there are other like मुश्तबा खामेनाई या हसन खुमैनी, जो खुमैनी साहब के ग्रैंडसन थे, उनको उनका भी नाम उसमें आ रहा है जो एज पॉसिबल कंटेंडर्स टू मिस्टर खामेनाई साहब के सक्सेसर। देखिए, अभी जो तीन चार नाम ले जा रहे हैं अगले सदर के लिए उनमें ये दोनों नाम नहीं है। जी हाँ, नहीं है। स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, IRGC के जो हेड हैं मोहसिन रज़ाई जी, वो हैं, और एक गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनके हिम्मती साहब, वो हैं। ये दोनों साहब नहीं हैं। ईरान में उस तरह की डायनेस्टिस पॉलिटिक्स के तो ये खिलाफ लड़े थे ना, एक पूरी उनकी सारी जद्दोजहद ये थी कि ये शाही निज़ाम जो था रॉयल, ये हम नहीं मानेंगे। तो मैं ज़रूरी नहीं समझता, मेरा ये ख्याल है कि खमेनाई साहब ख़ुद भी पहले सदर बने थे जी हाँ, और वो समझते होंगे कि ये तजर्बा लेना ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए जो राहबर बने, क्योंकि तभी आप बेहतर गाइड भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता कि ये दो नाम जो आपने लिए हैं यही बनेंगे। सर, वो ये जो मरहूम प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी है, इसके बारे में इसके नकात कहते हैं कि वो एक कमज़ोर सदर थे। इंटरनली वो सूरत हाल को भी काबू नहीं कर सके, जैसे आपने कहा कि माशा अमीनी, उसके बाद वो जो हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर इकॉनमी पर भी काफ़ी उनका जो था वो लोग पीपल वर डिसकंटेंट विद द पॉलिसीज, इकनॉमिक क्राइसिस भी था मुल्क में। बट रीजनली उसने जो है ना सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बना लिए थ्रू चाइना, पाकिस्तान के साथ भी जो एक वाकया पेश आया तो उसके बाद फिर आ गए, ख़ुद भी आ गए, पहले फॉरेन मिनिस्टर को भेजा और उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन अब इलेक्शन हो रहे हैं, इनके सिस्टम के मुताबिक 50 दिन के बाद इलेक्शन होने हैं, विच इज़ शेड्यूल ऑन 28 जून। सर, आप इनके सक्सेसर्स को जो है, डू यू थिंक कि इनका सक्सेसर जो नया इलेक्शन होगा he will follow the same domestic and foreign policy vis-a-vis the nuclear and other regional approaches, yeah he is going to shift, make a shift in the policy? I don't think anyone will make a shift. I think his successor would follow the line, mainly because these are the lines coming from the rahbar himself and the majlis. So therefore I don't see that. Plus, this policy is giving dividends. You see, Iran, there were two ways to get out of these sanctions which have
hurt Iran for the last four decades. One is to plead to the Europeans and Americans and talk to them and compromise your nuclear capability and then get the sanctions lifted. But they also know that it's a slippery slope, because for the US, the instrument of their policy in the Middle East is Israel. And Iran will always have a tough time, even if it plays along. So the approach, the new approach was that let's try to evolve relationships where we don't have to be bound by the US dollar and its hegemony. So you must have seen that the expansion of BRICS to include five new members includes Iran. And one of the subjects they are discussing is de-dollarization, whether they can trade some of the things within their own group in currencies other than the US dollar. They are still not moving there because the US and China, which is a primary member, have deep interlinkages, plus India too. And therefore they are not, but they are definitely considering. Take for example, Iran, India and Russia are, buying and selling the oil in their respective currencies and not in US dollars. So this trend will catch on, and if Iran moves in that direction, it will be probably better for their future, because they will find alternatives to US dollar, which because of which they are really facing economic hardships. So my sense is that I don't see changes in the approach that has been followed by his administration. Sir, ये रईसी साहब थोड़े अरसे रहे, 21 में आए और उसके बाद फिर चले गए, but his short reign was very significant. 2022 में ईरान SCO में आ गया, 24 के शुरू में ब्रिक्स में आ गया, उसके बाद सऊदी ईरान रिप्रोशमा आपने उसकी बात की, सऊदी सॉरी चाइना ईरान दे केम क्लोज, ईरान का रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़े, दे वर प्रोवाइडिंग देम, दे आर स्टिल प्रोवाइडिंग देम ड्रोन्स, ऑफकोर्स देन अटैक ऑन इसराइल, फिर पाकिस्तान के साथ भी हो गया. तो फिर बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो JCPOA था न्यूक्लियर डील, उसमें जो वायलेशन है उसकी वो इनके अंडर बहुत ज़्यादा हुई. पहले अंडर वो जो एग्रीमेंट है, दे आर अलाउड टू एनरिच 3.76% समथिंग लाइक ऑफ यूरेनियम, दे हैव गॉन अप टू 60% इन 22, दे वेंट अप टू 60%. वो IAEA कहता है कि दे हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ 83% एनरिचमेंट ऑल्सो. तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इनका रेन रहा है. आप मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सी द लेगेसी ऑफ मिस्टर रईसी? ऑफकोर्स जिस तरह आपने भी कहा कि इसमें रहबर का बहुत हाथ है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो वही बनाते हैं, लेकिन ही वॉज द फेस ऑफ दैट पॉलिसी, व्हाट डू यू से अबाउट? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनके दौरे हुकूमत में ईरान का कद काठ बड़ा है. एक तो ज़्यादा एतमाद नज़र आया, जिस तरह आपने न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से कहा कि उन्होंने ये सोचा कि हम इनसे रहम की भीख क्यों मांगे और हम वो करें जो हमें करना है. लेकिन सबसे बड़ा जो इसराइल, जो अपने डिफेंसेस को इम्प्रेगनेबल समझता था, जो समझता था कि उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, सारे अरब मुल्क उसके आगे पानी भरते हैं और जंगें करके थक के हार गए हैं. और अब आपको याद हो हमास के इस जंग से पहले तो अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन का एक पूरा मोमेंटम था, लेकिन ईरान उसमें शामिल नहीं था. और जब ईरान के कौंसलेट पे हमला किया डमास्कस में इसराइल ने, तो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और बड़े तरीके से. जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जिनसे मैंने कुछ गुफ्तगू की है, वो बताते हैं कि किस तरह इन्होंने पहले स्लो मूविंग ड्रोन्स के ज़रिए उनके एक्सपेंसिव मिसाइल ज़ाहिर किए, फिर क्रूज़ मिसाइल्स, और जब वो सारे इधर बिजी थे तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से उस टारगेट पे पहुंच गए जिस टारगेट पे पहुंच रहा था. सर वो तो फिर इट वाज जनरली देयर अटैक वाज कॉल्ड एज अ फेलियर. नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इट डिडंट अचीव एनीथिंग इट वाज इंटेंडेड. नो, आई थिंक इट डिड, बिकॉज़ ये सिंबलिज्म था.
और इसके जो नतायज निकल सकते थे जंग के वो बड़े भयानक हो सकते थे। और इसी वजह से अमेरिका ने ना सिर्फ ख़ुद इसमें नहीं आए बल्कि इसराइल को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। और ईरान ने भी बड़ी समझदारी और दानिश का मुजाहरा किया कि उन्होंने वो करने के बाद मामले को वहीं पे दबाया, लेकिन ये साबित कर दिया, ये मैसेज दे दिया कि वी कैन टेक यू ऑन। और ये तो नेचुरली जो प्रो इसराइल मीडिया होगा वो तो यही कहेगा कि ये नहीं है, लेकिन अगर वो इतनी बड़ी फेलियर होती तो ईरान तो और इसराइल तो और इनक्रेज हो जाता, वो शायद कुछ और भी करता, लिख किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि रईसी साहब का मुख्तसर दौर सही, लेकिन उन्होंने ईरान के अंदर एक नया वलवला भरा है। सिर्फ डोमेस्टिक सरकमस्टांसिस ठीक नहीं रहे, क्योंकि ये जब आए हैं तो उस वक्त कोविड का भी इम्पैक्ट चल रहा था इकॉनमी पे, और वैसे सैंक्शंस का इम्पैक्ट भी है, तो एक डबल जेपर्डी सी थी, और जिसकी वजह से इक्तसादी हालात भी ठीक नहीं थे, और इसी में सोशल रिस्ट्रिक्शंस और भी ज़्यादा चुभने लगती हैं जब इक्तसादी हालात भी ख़राब हों, तो वो उससे ये यकीनन नबर्दोजमा हो रहे थे। और उसके लिए भी ये सही अप्रोच ली थी कि जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपेंड करें, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं पावर्स हैं उनके साथ एक्सपेंड करें, ताकि हमारी अगर कोई डिपेंडेंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ पे वो कम होके रीजनल में आ जाए, जहाँ पे उस किस्म के जज्बात नहीं रखते ये रीजनल कंट्रीज़ ईरान के लिए जिस तरह के वेस्टर्न कंट्रीज़ रखते थे। सर इसी में मैं आगे थोड़ा सा एक किए, आज मैं पढ़ रहा था दिस जेंटलमैन फ्रॉम फॉक्स न्यूज़, उसने लिखा हुआ है कि ईरान कंटिन्यूज टू रिमेन आइसोलेटेड। Do you think Iran is isolated now? I don't think so, not at all. Well, Fox may say whatever it wants, but I don't think so. I think Iran ne abhi aap ye dekh lena ki unki jo reach out thi, aur specially China ke sath jitna unhone badhaya, aur to aur abhi haal hi mein India ke sath bhi unhone unko dobara lure kiya ki aap Chabahar mein investment kare, jo takriban block ho chuka tha mamla, लेकिन उन्होंने और ईरान ने इंडिया ने यूएस को डिफाई करते हुए ये इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। अफ़गानिस्तान के साथ भी उनकी पूरी कोशिश है कि जो ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के रास्ते, चूँकि बंदिशें हैं उसमें अंदर, तो हम चाबहार के रास्ते उनको दे सकें। इसी तरह इंडिया के साथ वो बढ़ाना चाह रहे थे कि सेंट्रल एशिया के साथ जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर उनका बनना है वो बन जाए, यूरेशिया के साथ जुड़ जाएँ वो। मैं नहीं समझता कि ईरान आइसोलेट हो रहा था, बल्कि ईरान की आइसोलेशन तनहाई ख़त्म हो रही थी। सर वो एज यू नो कि वेस्टर्न मीडिया इट सजेस्ट के ईरान इज एंगेज्ड इन प्रॉक्सी वॉर विद अमेरिका, विद इजराइल, इवन विद सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के साथ तो थोड़ा बहुत रेप्रोशमा हो गया है, लेकिन आप समझते हैं कि ये नए सेटअप जब आएगा, नए प्रेसिडेंट विद न्यू सुप्रीम लीडर भी ज़ाहिर है जब कभी आएगा, तो क्या सूरत हाल ईरान की वही रहेगी? ज़ाहिर है मिडिल ईस्ट के लिए भी ख़तरात हैं, रीजन के लिए भी ख़तरात हैं, या थोड़ा बहुत इज़राइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कूल डाउन कि नाउ देयर इज़ ए न्यू लीडरशिप, लेट देम गिव टाइम एंड वी सी के हाउ दे कम अप विद न्यू अप्रोचेस टू द रीजन। मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन दुनिया का हर मुल्क प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है, और उसका सबसे बड़ा मुजाहरा सीरिया में हुआ था। एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी और उधर अमेरिका की भी प्रॉक्सीज चल रही थी और बाकी जो मुल्कों की, बल्कि इतनी प्रॉक्सीज थी कि पाकिस्तान के लिए चूज़ करना मुश्किल हो रहा था कि उसके फ्रेंड्स दोनों साइड्स पे थे, आयल के थे, और सारे मुल्क करते हैं, और ये ओवर्ट तरीके से और कोवर्ट तरीके से जो अपने मकासद हल करना चाहता है वो करते हैं। ईरान का भी अपना असर रसूख है, और हमास है, हिजबुल्ला है, हूतीज़ हैं, और इवन सीरिया और इराक़ में भी उनके प्रो ईरानी फाइटर्स हैं। तो ईरान तो हर पत्ता खेलेगा अपने, लेकिन मैं नहीं समझता कि ईरान में कोई किसी किस्म की गलत फहमी होनी चाहिए कि कभी ये सॉफ्ट पॉस्चर लें तो अमेरिका और यूरोप इनके साथ एकदम से आके जफ्फी डाल लेंगे। इट्स वॉन्ट हैपन, इट्स ए स्ट्रेटिजिक rivalry that they have. US wants Iranians, a subdued Iran, which Iranians don't want. So I don't think it will happen. This was even before revolution, this was true, because Iran was always
considered to be a regional power. And now it's increasingly being mentioned that Iran has emerged as the regional power. So there's another discussion going on after the Mr. Raisi's death. The shift in the power center, especially with relation to the IRGC, which has been talked about that in over the last two decades or so, their influence in the military side as well as economic and other relations, they have been more involved. And जैसे कि आप पता जब हमारे साथ थोड़ा सा इशू हुआ था तो there was a talk about कि जी probably it has been done by them not with the approval of the state. मुख्तलिफ किस्म की बातें सारी हुई थी. Do you think that with the new president coming in, so IRGC will flex its muscles or they will remain under control, because unka head bhi probably candidate hai is nahi jo elections hone hain uske andar. Aapka kya khayal hai is baare mein? Dekhiye, IRGC pasdaran e inqilabi islami bahut ek mazboot idara hai aur badi gehri jade hain uski, aur sari jo Iran ki qiyadat hai wo unko apne saath rakhti hai, क्योंकि वो इनकलाब ईरान के पासदार हैं, हिफाजत कर रहे हैं उसके. और इसलिए कोई भी ऐसा ईरान का सदर नहीं आता जो चाहे वो सो कॉल्ड मॉडरेट हो या सो कॉल्ड कंजर्वेटिव हो, वो आईआरजीसी को साथ ना लेकर चले. आई डोंट सी दैट चेंजिंग, पर्टिकुलरली अगर इनके फॉर्मर हेड आ जाते हैं तो वो तो नेचुरली व्हाटएवर द पॉलिसीज दे आर दे विल continue. I don't see any change. So there won't be any shift of I don't think so. I don't think so. Sir, Javad Zarifi, former foreign minister of Iran, in Iran's state television, he has stated that that one of the causes of this heartbreaking incident is the United States, which is by sanctioning the sale of the aviation industry to Iran, caused the martyrdom of the president and his companion. देखिए, ये स्पेकुलेशन तो हर तरफ से हो रही है कि ये कैसे हो गया कि तीन हेलीकॉप्टर्स में से दो तो गुजर गए और एक ही जिसमें सदर सवार थे. होता तो ये है कि डमीज जाती हैं ताकि ये पता ना चले कि सदर किस उसमें शामिल थे. लेकिन मैं एक पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बड़े जयत पायलट से ये डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा, और मेरा खुद अपना तजर्बा भी यही था कि वेदर अगर ख़राब हो तो कुछ विंडोज़ आती हैं और वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड विंडोज़ होती हैं, और जो भी उस वक्त प्रिंसिपल बैठा है उसमें जहाज़ में, उसको पायलट बताता है कि जनाब ये विंडो जो है वो क्लोज़ हो रही है. मैंने ये सुना है कि जो पहले दो उड़े थे वो अपने वक्त पर उड़े थे, लेकिन इनको 17 मिनट अपने शेड्यूल टाइम से ये लेट उठे. होता है, मतलब सदर साहब मसरूफ़ हैं या कोई आखिर वक्त पे ऐसी कोई बातचीत हो गई तो उड़ने में लेट की, तो वो विंडो क्लोज़ हो गई. अमूमन ये विंडो जो है बड़ी मुख्तसर होती है, लेकिन कई बार ये गलतियाँ की गई हैं कि वो जो वेदर की विंडो आती है उसमें से नहीं गुज़र पाते. लेकिन ये भी हो सकता है, कुछ और भी वजह हो सकती है, सेबोटाज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये इस पे हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह ये है कि अगर ईरान ये मान जाए कि ये सेबोटाज था तो उनका इंटेलिजेंस फेलियर भी है, और अगर वो ये मान जाए कि हमारा हेलीकॉप्टर बड़ा पुराना था जो जवाद ज़रीफ़ साहब कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए, तो फिर आपने उसको ऐसे किस पे बैठाया जिसका मतलब सिक्योरिटी फेलियर भी है आपका. मेरा नहीं ख्याल ईरान की जो क़यादत है वो इस किस्म की कोई स्पेकुलेशन करेगी, और अगर ऐसा हो भी तो भी वो शायद उसका इजहार ना करें, क्योंकि अपनी कमज़ोरी, अपनी कमर नंगी होती है उनकी, वो नहीं करेंगे. और हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कतई तौर पर कुछ नहीं कह देते उनकी इन्वेस्टिगेशन, तो ये मेरे ख्याल में चेमगोई होगी. ये गालिबन पहला हादसा है किसी ईरानियन प्रेसिडेंट का कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मर जाना सिंस 1979 द ईरानियन रिवॉल्यूशन.
अब रिसेंटली ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे एंड न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर और कराची भी गए एंड ही हैड ए वेरी वार्म वेलकम एवरीवेयर. तो आप पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को अब भी जब उसके दौर में थे और आइंदा कैसे किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात भी इनके दौर में तबाह हुए हैं और उसकी वाज़ कोशिश हमें नज़र आ रही थी. देखिए, बॉर्डर पे जो मसला है ये आज का नहीं है. इधर जैश-उल-अदल आके जगह ढूंढ लेती है, कभी पंजगूर में, कभी किसी और शहर में बलूचिस्तान के, और उधर BLA और BLF जगह बना लेती हैं. किसी ज़माने में तालिबान की क़यादत भी वहाँ पे ईरान में जगह बनाई हुई थी. तो ये सिलसिला चलता रहता है. लेकिन एक मैसेजिंग तो शायद ज़रूरी थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे ऊपर ये मैसेज किया तो हमने भी काउंटर करके बताया कि ये शायद दुरुस्त नहीं है. लेकिन इनकी खूबी ये है कि इन्होंने फौरन ही अपने वज़ीर ख़ारजा को भी भेजा और फिर हमारी हम खुद भी तशरीफ़ लाए और ना सिर्फ इस्लामाबाद में आए बल्कि इलामा इकबाल के मज़ार पे भी गए, जिनको वो इकबाल लाहौरी के से बड़े प्यार से बुलाते हैं, और कायदे आज़म के भी. तो साफ नज़र आ रहा था कि ये पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और वो जो वाक़या हुआ उसको वो भूल जाना चाहते हैं. और साथ ही साथ इन्होंने बॉर्डर मार्केट्स की तरफ भी पाकिस्तान के हमारे जो वज़ीर आज़म के साथ मिलकर कोशिश की कि वो जो मेरा ख्याल है मंद का था शायद उसको या गब्त का था, मुझे अब याद नहीं कि उनमें से कौन सा क्रॉसिंग पॉइंट था जिसके ऊपर ये गए और जाके इन्होंने कहा कि हम बॉर्डर मार्केट बनाते. मीर जावा तफ्तान तो बड़े अच्छे से खुला है, लेकिन ये दो क्रॉसिंग पॉइंट्स खुल नहीं रह पा रहे थे. और स्मगलिंग से उनको भी नुकसान था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें नुकसान था. तो अब पाकिस्तान ने जब ये मेजर्स की हैं तो बॉर्डर मार्केट्स का भी एक आगाज़ अच्छा आगाज़ है, और अगर इसको आगे मजीद लिया जाए. तीसरी बात यह कि IP गैस पाइपलाइन पे ईरान का बहुत ही सख्त रहा है, रविश रही है कि देखें आपने 2012 के आखिर में किए, आज 12 साल हो गए और आप इसके ऊपर अमल नहीं, दरामद नहीं कर रहे. और पिछले साल तो उन्होंने हमें एक नोटिस भी भेज दिया कि आपने ये $18 बिलियन आपने देने, क्योंकि आपने एग्री किया था कि इतने मिलियन डॉलर पर डे की पेनल्टी क्लॉज है. और हमने मेरा ख्याल में उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने कहा कि फोर्स मेजोर की क्लॉज है, क्योंकि सैंक्शंस से हम कुछ नहीं कर सकते. तो उस पर भी चूँकि इतफाक़ राय नहीं हुआ था, इस जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र नहीं किया गया. इन्हें वे उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि इसको मज़ीद जो है ज़्यादा वो किया जाए, और पाकिस्तान की मजबूरी समझनी चाहिए IP गैस पाइपलाइन में. साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अपने अंदर भी कुछ थोड़े हमें अपने गरीबान में भी झांकना चाहिए कि जिस तरीके से ये एग्रीमेंट हुआ और जिस किसी ने भी ये पेनल्टी क्लॉज मानी, क्या उसको ये पता नहीं था कि US सेंक्शन उठने वाली नहीं है और बड़ी देर लगेगी और हमें फोर्स डी मेजोर की क्लॉज डालनी चाहिए? क्यों नहीं डाली? तो इस तरह की कुछ काम हमें भी सोचना चाहिए. हमारी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस जो हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि वजारत खारजा में इंटरनेशनल नेगोशिएशन के तरबियत याफ्ता एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ वजारतें खुद जाके नेगोशिएट कर लेती हैं, जिस तरह IP गैस पाइपलाइन का भी वजारत खारजा से रबता किए बगैर कर लिया था. ये काम नहीं होने चाहिए. मैं महसूस करता हूँ कि इस बात को का कह देना कोई ख़राबी की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आइंदा के लिए जो नेगोशिएशंस होंगी, और वो सिर्फ इस ज़िम्रे में नहीं है, इकोनॉमिक मैटर्स में भी है और मिलिट्री अफेयर्स में भी है, हमें अच्छी नेगोशिएशन करना आना चाहिए. और IP गैस पाइपलाइन के मामले से हमें कुछ सबक भी सीखना चाहिए और कोशिश बहरहाल करते रहना चाहिए कि कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि और कई मुल्क हैं जिन्होंने रास्ते निकाले हैं कि ईरान के साथ मामलात, इक्तसादी मामलात आगे बढ़ाएँ. हमें भी कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए. थैंक यू सर. ख़वातीन हज़रात, आपने हमारा प्रोग्राम देखा. जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि एक ट्रेजिक इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड इन ईरान और देयर स्पेकुलेशंस अबाउट फाउल प्ले, लेकिन हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए चूँकि ईरान की अपनी गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह रही. अभी इस वक्त ईरान की प्रायोरिटी है कि टू इलेक्ट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अ प्रेसिडेंट, अ कैंडिडेट हु इज़ कमिटेड टू द सिस्टम एंड हु हैज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ द रहबर. लेकिन इस सब चीज़ में एक चीज़ ज़ाहिर होती है, द रेजिलियंस ऑफ द ईरानियन सिस्टम
कि डिस्पाइट ऑल दिस ऑनसेट्स, पहले भी माजी में भी ऐसे हुआ कि उनके लीडर्स मारे गए, लेकिन वो सिस्टम चलता रहा, वॉर आई, सिस्टम चलता रहा. तो दिस शोज़ हाउ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन अ वे इट्स अ लेसन फॉर अस ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील बी बैक.